सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क स्टीमपंक का। सो गाइस, आर्क स्टीमपंक का आज का जो एपिसोड है वो यहाँ पे शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गाइज आपको गेमिंग विद एंडी और हमारे ब्लॉगिंग चैनल की। सो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना गाइज। हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है गाइज वन लॉक है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में जो थैंक्स का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने तो नीचे निट्राडो का लिंक है, जिस लिंक पे क्लिक करके आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो। तो जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस निट्राडो सर्वर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। स्टीमपंक में आपको पता है हमारा मिशन है गाइस एक रोबो बनाना खतरनाक वाला, बट वो रोबो बनाने के लिए हम लोग को एक कोई मशीन बनानी है, वो मशीन का नाम हमको बतानी है। इसलिए हम लोग ए टू जेड जो स्टीमपंक वाली चीज है वो बाहर निकाल रहे हैं और जो जो खतरनाक सी चीजें निकल रही है ना बाहर, क्या बताओ। सबसे ओपी चीज निकली है डायनो से चलने वाला ये जनरेटर, जिसको हम लोग ने हमारे खुद का जो ट्राइक हमने टेम करा था ना उस ट्राइक को इसको अटैच करके जो है ना गाइज इस जनरेटर को हम लोग ने बनाया है। और आप देख ही सकते हो कि कितना खतरनाक गाइज यहाँ पे जनरेटर है और ये पूरे अपने बेस को पावर दे रहा है गाइज, पूरे बेस को पावर दे रहा है, खतरनाक जनरेटर है। और मैंने कुछ और चीज़ें बना रखी है जो पिछले एपिसोड में मैं देख नहीं पाया था, अभी हम लोग देखते। चलो ये क्या चीज़ है, ये पता नहीं क्या चीज़ है जो भी, लेकिन लग नहीं रही यहाँ पर। ठीक है छोड़ो, ये है क्या वैसे चीज, कैरिज साइज माउंटेन ऑफ वाटर, दिस इज रियूजेबल लाइट वेट, पता नहीं भाई क्या चीज़ है। छोड़ो भाई, अगली चीज़ क्या ही है, कोई तो एक और मशीन है गाइज यहाँ पे, इसको इधर लगा डाल। सेट ऑन स्टीम क्रायो चेम्बर, सेट ऑन स्टीम क्रायो चेम्बर, उरी बाबा इससे क्या होगा। अरे भाई साहब, अच्छा वो भाई अमीरों के चोचले भाई वो नहीं भाई, वो स्टीम बीम चेम्बर में जाके सोते भाई रात रात को ताकि उनकी भाई वो एज बढ़ सके, वैसा ही कुछ है गाइज। स्टीम चेम्बर है जिसमें मैं आराम से खड़े खड़े कौन सोता है भाई, वो भाई आके खुले कर, अरे यार आके खुले भाई करके कौन सोता है यार, वो भी सावधान स्थिति में। चलो बस हो गया भाई, बहुत स्टीम ले लिया, और स्टीम ना लेनी है मेरे को भाई, किसको स्टीम लेनी है, 150 रुपया लेगा, आ जाना मेरे बेस पे स्टीम दिला दूंगा आपको। ठीक है आगे बताओ क्या है भाई। भाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी, भाई आ जाओ रुको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये भाई। ठीक है ये देखो अपने भाई गुरुजी का स्टैचू, वो ये स्टैचू तो मैंने उस वाले मॉड में देखा था अपने, पता है कौन से वाले मॉड में, वो जो अपन नहीं खेलते थे गाइज वो मॉड जो बहुत ज़्यादा खतरनाक था डू ऑर डाई वाला, उसमें देखा था ये। एक और स्टैचू है गाइज, स्टैचू ऑफ भाई एयरशिप, एयरशिप अबे ये तो स्टैचू एयरशिप का है क्या, कुछ ज़्यादा ही छोटा स्टैचू नहीं है। अबे ये स्टैचू तो भाई कहाँ लग दो अभी, बहुत ही ज़्यादा छोटा स्टैचू है यार ये, यहाँ पे एडजस्ट कर लेना इसको। ये एयरशिप का स्टैचू है गाइस, ठीक है ऐसी अपने एक एयरशिप बनेगी, लेकिन ये छोटा है भाई, इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी और ओपी वाली एयरशिप बनेगी, या सम्बरीन का स्टैचू होगा वो। ठीक है अगली चीज़ बताओ, अगली चीज़ है दो कुछ तो भाई खतरनाक लग रही है मुझे। अच्छा इसको अपन लोग ऐसा ऐसा करके कहीं पर तो लगा सकते हैं, तो काय को लगा सकते हैं, अच्छा इधर लगा सकता हूँ, हाँ तो पानी में लगा दे भाई, पानी में लगा दे, यहाँ पर अभी जगह भी नहीं बची है जो लगा पाओ, इधर ही लगा डाल पानी में लग रही है तो। ठीक है ये कुछ तो मशीन है, स्टीम पावर कॉइल, ये क्या चीज़ है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये इसी को लगेगी क्या, कांट प्लेस इट अंडर वाटर, ओ वेट अ मिनट, ये इसी का गाइस पार्ट है, बस मैं इसको अंडर वाटर नहीं डाल सकता। ओके ये डाल दी आप पे, ओ ये खतरनाक सी कोई मशीन गाइस बना ली है मैंने, रुको इसको मैं भाई आप पे लगा देता हूँ, रुको कहाँ पे जगह है क्या, जगह तो बिल्कुल भी नहीं है बट लगा सकता हूँ मैं, चाहे तो यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं। ठीक है यहाँ पे ऐसे इसको इधर कनेक्ट कर दो, खतरनाक लग रही है मशीन। और इसमें क्या चाहिए, इसमें बनेगा ऑयल, द थिक ब्लॉब ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ऑयल कैन बी रिफाइंड विद हाइड टू मेक गैसोलीन, भाई चोमो हो गया तुम, ये हम गैसोलीन मतलब ऑयल ले, हमारे पास पहले से ऑयल पड़ा हुआ है तो हम तुम्हारा ही ऑयल क्यों ले भाई, ये क्या चीज़ है,
ओके गॉट इट, वेट अ मिनट, मेरे पास कैंटीन पड़ी हुई है ना, अभी पता चला मुझे क्या है। गाइस स्टीम जनरेटर है वो, स्टीम जनरेटर बोले तो उसमें डालना पड़ेगा पानी, जैसे मैं उसके अंदर पानी डालूंगा तो उस पानी की बन जाएगी गाइस यहाँ पे भाप, ठीक है ये देखो ये भाप बनेगी और इस भाप के मदद से शायद से ये जो भी मशीन बिशीन है ये चालू हो जाएगी इस भाप की मदद से गाइस, जो यहाँ पे भाप बनेगी। रुको उसको पानी से पूरा फुल कर देता हूँ मैं गाइस, ठीक है पूरा फुल कर डालूंगा भाई, पूरा पानी डाल के फुल कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 300 पानी डाला ना, 500 पहले फुल पानी भाई, 2000 पानी डाल दूंगा, भले ज़्यादा नहीं 2000 पानी फिर भी डाल दूंगा मैं। रुको रुको गाइस स्टीम बन रही है गाइस, मुझे देखने दो गाइस, स्टीम बनेगी तो ये क्या मशीन चालू हो जाएगी ऐसा, इसके चक्के चालू फिर घूमना चालू हो जाएंगे क्या, पता नहीं। स्टीम तो यहाँ पे बन रही है, बनने वाली है गाइस। रुको बाकी सारी चीज़ें देख ली, क्या चीज़ें कहीं लगती है क्या रे, पता नहीं जो भी चीज़ें लगी नहीं रही है, चलो इसको बाद में देखेंगे। बाकी तो और कोई चीज़ बची नहीं, ईएमपी बचा है जो मैंने पिछले एपिसोड में दिखाया था, ठीक है। ये रहा भाई अपना स्टीम, नो फर्टिलाइजर टू डिपॉजिट, फर्टिलाइजर का एक डालो मैं इधर। स्टीम गाइस बनने वाली है भाई, यहाँ पे हवा बनेगी पानी की मदद से, पानी को बॉयल करके बन गई हवा, बन गई। अरे अरे भाई साहब, भाई चालू होगी मशीन यार, डिटेल इस मॉड में जो डिटेल डाली गई है ना, एक नंबर डिटेल है, कुछ भी बोला एक नंबर डिटेल है। देखो धुआं भी निकल रहा है ये भाई, इसके जो भाई गोले थे शोले ये भी चालू हो गए भाई, यहाँ पे घूमना चक्के खतरनाक भाई, एक नंबर मजा आ गया। बताओ भी आगे की चीजें, आज की चीजें दिखाओ मुझे। पावर केबल देख ली थी मैंने, सैडल भी देख लिया था, स्ट्रक्चर भी देख लेते, स्टीम पावर भी मैंने बना लिया था, ये जनरेटर भी बना लिया था मैंने, स्टोरेज ऑयल स्टोरेज टैंक, ऑयल ही नहीं है भाई, कॉपर स्टोरेज लॉकर पे बना ले, क्या पता इसके अंदर ही हम लोग भाई वो चीज़ें बना पाए जो हम लोग को ज़रूरी है, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या है, बेड्स वगैरह, स्टीम पॉट यूज टू मेक किबल एंड डाइस, रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोवाइड इंस्टॉलेशन फ्रॉम बोथ हीट एंड कोल्ड, एंड फर्टिलाइजर एक भाई, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यार्ड यूज टू क्राफ्ट मैसिव मशीन, ओई ये चीज़ हो सकती है वो, ये चीज़ हो सकती है गाइस, रुको ये चीज़ हो सकती है भाई, ये भी बना ले भाई, लग गया तो बना ही रहा हो तो ये भी बना ले, बना ले बना ले बना ले बना ले भाई, बना ले सारी चीज़ें बना ले। ये क्या है, ये तो फोर्ज ब्रिज है जो हम लोग बना चुके हैं, और क्राफ्टिंग में इलेक्ट्रिसिटी स्टीम वर्क स्टेशन ये भी बना चुका हूँ मैं, बेड्स है इसमें, क्राफ्टिंग वाली सारी चीज़ें बना चुका हूँ ना मैं, ये वाला बनाया ना स्टीम मल्टी फोर्ज ये बनाया मैंने, बनाया भाई। क्रॉप्स में हाइड्रो क्रॉप लोड ये भी बनाया मैंने, डेकोर में भाई ये बनाया, फ्रिज वगैरह नहीं बनाया मैंने यार, ठीक है। प्लेटफॉर्म बिटफॉर्म में ये नहीं बनाया मैंने, स्टो में क्या है, परफेक्ट कुकिंग फॉर मीट इन बल्क, स्टेइंग वार्म एंड प्रोवाइड लाइट प्रोवाइड बाय पावर्ड बाय कोल बना, मुझे लग रहा है मुझे वो चीज़ मिल चुकी है जिसकी हम लोग को ज़रूरत थी, जिसमें हम लोग ह्यूज मशीन्स बना सकते हैं। वो पूरा भाई मैं तो फैक्ट्री बना रहा हूँ अपनी भाई, यहाँ पे मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ कैसे अपनी, जेब बाद मैंने अपनी फैक्ट्री बना ली। अब इसको क्या करना है, एक्सेस इन्वेंट्री, अभी बताऊँ। एयरशिप, यही वो चीज़ है जो चाहिए थी मुझे, इसी में तो मैं अपनी एयरशिप बनाऊंगा मेरे दोस्तों, इसी में तो एयरशिप बनाऊंगा। फाइनली गाइज हम लोग को वो स्टेशन मिल चुका है जिसमें एयरशिप बनाऊंगा, जो भाई एक्स्ट्रा चीज़ें बनाई है वो लगाता हूँ फटाफट से, फिर एयरशिप बनाने का काम चालू। हाँ चालू, लेट्स गो बॉयज, ये क्या है, लगा भाई जल्दी जल्दी लगा, जल्दी जल्दी लगा, इधर लगा, पता नहीं इसमें क्या डालेंगे हम लोग, कंज्यूमेबल मीट, अच्छा इसमें मीट बीट कुक कर सकते हैं नॉर्मली, मतलब ऐसा मीट डालूंगा कच करके। सो इसमें क्या चाहिए, कोल भाई छोड़े बच्चों का भाई चीज़ है, कोल ले लें, कितना कोल चाहिए, 10-20 हज़ार, 10-20 लाख कोल ले लें, कोल से पावर्ड होगा और वहाँ पे जो है ना कि हम लोग मीट कुक कर सकते हैं, ठीक है। मीट देखो कोल से हो जाएगा पावर, इसको कर लो टर्न ऑन भाई, इसको कर लो टर्न ऑन, ये भाई मीट कुक कर देगा यहाँ पे, नॉर्मल मीट हाँ हो रहा है, कुक हो रहा है, अच्छी बात है। चलो अगली मशीन दिखाओ, हो भाई आग लग गई गाइस यहाँ पे, आग लग गई एकदम फुल्डो, ठीक है भाई जल्दी जल्दी दिखाओ क्योंकि मुझे वो भी देखना है भाई दूसरी चीज़। ये कहाँ स्टोरेज है, लगा इधर भाई, इसमें तो हम स्टोर कर सकते हैं ना चीज़ें, निकाल भाई, डिमोलिश कर, ज़रूरत ही नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मशीन इसको कनेक्ट हो जाती है, इसको कनेक्ट होती है क्या मशीन्स,
ना ना इसको कनेक्ट नहीं होती, ये क्या चीज है? ओ ये कुछ तो खतरनाक चीज है। ओ ये एसी है यहाँ का भाई, टेम्परेचर जो है ना वो कंट्रोल में रखेगी, फिर हम लोग को ना हीट होगी ना ठंड लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगी, खतरनाक गई। चलो अभी मैं जो ना गई सारे वेदर इफेक्ट से भाई इम्यून हूँ। ओके आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, लगाओ भाई लगाओ, एक एक करके सारी चीज़ें लगाओ। इसमें क्या बनेगा? अनकीबल डाइस एंड कंज्यूमेबल फ्रूट्स, बस डिमोलिश नहीं चाहिए। जो फालतू की चीज़ें वो बना लगानी नहीं है गाइस मुझे। ये क्या चीज़ है? कूल लग रही है काफ़ी। स्टीम फ्रॉम द स्टीम प्रेस, फ्यूल्ड बाय स्टीम। अबे क्या, एक कलेक्टर बग भेज क्या? नहीं चाहिए भाई, नॉर्मल कलेक्टर लगा दूंगा मैं। सारी चीज़ें देख ली, देख ली गाइज। एक कटलेस भी बनाई थी तलवार हम लोग ने भाई, ठीक है काट के रख दूंगा तलवार से, खतरनाक लग रही है तलवार वैसे। चलो गाइज अभी ये सारी चीज़ों को मारो गोली, हम लोग को बनानी है गाइज अभी एयरशिप, ठीक है। अभी बताओ एयरशिप के पार्ट में कैसे बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एयरशिप है, बेस डिफेंस, बेस डिफेंस में क्या, टेस्ला कॉइल, टेस्ला कॉइल सच में? वो ऑयल और गैस, ऑयल 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 आई हैव ऑयल, सच में अबे टेस्ला कॉइल है ड्यूड, टेस्ला कॉइल मेरे बेस को डिफेंस करेगी। बोट्स, ओह यस, ये स्टीम बोट चाहिए मेरे को, ये तो स्टीम बोट चाहिए मेरे को, ठीक है ठीक है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। फ्यूल, ये फ्यूल बना सकता हूँ मैं, सब बनेगा अभी भाई। ये फ्यूल के लिए कुछ तो और चाहिए, रिफाइंड ऑयल चाहिए मेरे को, बताने रिफाइंड ऑयल कहाँ से मिलेगा यार। भाई गेंडा भी है, मैकेनिकल राइनो भी है यहाँ पे भाई, सबमरीन भी है और टेलीपोर्टर बिलोपोटर भी है, एयरक्राफ्ट भी है भाई। मैं तो आज भाई एयरक्राफ्ट बनाऊंगा, हॉट एयर प्रॉप बलून, एयर बलून भाई दोनों बना ले, आज बलून बना के उड़ेगा तेरा भाई। अच्छा तो डायरेक्टली स्पॉन हो गया भाई, तो डायरेक्टली स्पॉन हो गया भाई। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे खतरनाक यार। ये मैंने एक और चीज बनाई थी टेस्ला कॉइल, ये भी देखनी है मुझे भाई, ये हमारे डिफेंस का काम करेगी भाई, कोई बेस पे आएगा ना जला के खाक कर देगी बीचों बीच। लगा सेट पिन कोड, अनपावर्ड कैकू, अनपावर्ड कैकू, पावर्ड कैकू नहीं बाबा, ये अनपावर्ड बोल रहा है, इसको इलेक्ट्रिसिटी मांगता तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कम पड़ रही है क्या भाई? टेस्ला कॉइल तो बना दी लेकिन ये बोल रहा है अनपावर्ड, बोले 5555 5, हाँ तो पावर्ड नहीं है यार ये तो। फिर भाई पिकअप कर ले अभी के लिए, बाद में देखेंगे इसको। अभी तो मैं हॉट एयर बलून उड़ाऊंगा, लेकिन ये वेदर ऑरेंज ऑरेंज वाला हटने दो, उसके बाद तुम्हारा भाई हॉट एयर बलून लेके सीधा जाएंगा यहाँ पे एकदम फुल टू मजे करने के लिए, ठीक है। अभी भाई यहाँ पे अपनी चीज़ें बनाना चालू, ठीक है, असली चीज़ें बनना चालू हो चुकी है। हॉट एयर बलून, सबमरीन्स, राइनो मैकेनिकल, एयरशिप भाई, रोबोट, सब खतरनाक चीज़ें बनेगी। रुको अभी ये ऑरेंज ऑरेंज वेदर पहले जाने दो यहाँ पे, उसके बाद में हॉट एयर बलून को लेके सीधा उड़ता हूँ आसमान की ऊंचाई पे। रुको गाइस, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ऑरेंज वेदर हट चुका है। सबसे पहले अभी यहाँ पे उठा गन पाउडर, मैं ये चीज़ें क्यों उठा रहा हूँ आपको पता चल जाएगा अभी। रुको अभी पता चल जाएगा, टर्न ऑन कर लें, ऑयल किधर है, ऑयल उठा लें एंड स्पार्क पाउडर उठा लें, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें पावर करने के लिए यही सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, इसलिए मैं इनको लेके डायरेक्टली हॉट एयर बलून में बैठ रहा हूँ। गाइज क्या लगता है, हाँ चला पाएंगे? वही बैठ गया रे, ये देखो गाइज, अरे बाप रे भाई, ये कौन से पोजीशन में बैठा हूँ मैं, हाथ में बिल पकड़ के बैठा हूँ भाई। ए इसको पावर कैसे करना है? आई डोंट नो, हाँ तो पावर्ड है, पावर्ड कैसे होता है तो स्पेस से भाई, तो ऊपर कैसे जाएगा? तो भाई पानी में डूब रहा है। अबे इसके इंस्ट्रक्शन भी दे देते भाई, इसके कैसे चलाना है, डुबा दिया मैंने हॉट एयर बलून वो तो। स्पेस दबाते रहना है क्या? नहीं, इससे तो इंजन चलेगा, इससे तो इंजन चलेगा। अरे बेस के उड़ता कैसे रे तू भाई, अबे कैसा उड़ेगा कैसे भाई तू, अबे कुछ तो इंस्ट्रक्शन दे देते, ओ भी दबा दो, बी दबा दो, सी से ऊपर, ओए सी से ऊपर जा रहा है, स्पेस से नीचे आ रहा है, सी से ऊपर जा रहा है, सी से ऊपर जा रहा है भाई, ठीक है सी से ऊपर जा रहा है। तो लेफ्ट राइट कैसे करना है, ये ऐसा आगे जा रहा है, सी से ऊपर जा रहा है, और एक से कुछ नहीं हो रहा है ना, नहीं स्पेस से ही नीचे आएगा कंट्रोल से, ठीक है ठीक है ठीक है।
चल 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 भाई, कार ढक गया भाई, इसके आग स्पेस नहीं दबाना है। और ये मैं आसमान की ऊंचाई पे गाइस, हर तरफ कोहरा ही कोहरा, और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा इसको चलाना कैसे है, बट मैं उड़ा रहा हूँ खाली इसको, ठीक है, मैं खाली इसको उड़ा के लेके जा रहा हूँ गाइस, ठीक है, खाली उड़ा के लेके जा रहा हूँ। रुको देखो क्या होगा, इतना ही दम है क्या, बस घुमाना तो घूमेगा नहीं क्या, पता नहीं भाई, पता नहीं इसका सीन क्या है ना, समझ नहीं आ रहा। चल तो अच्छे से रहा है, बड़े पुराने ज़माने का ऑडियर बलून लग रहा है, इसलिए भाई इसमें जो ना कहीं उतना खास कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं ना इसको मोड़ सकता हूँ, अरे हॉट एयर बलून कभी भी मुड़ता नहीं, आपको पता होगा, वो हवा पे जो है ना गाइस, हवा के भरोसे पे इधर उधर चलता है, मैं भूल गया था। इसमें भाई हमारे हॉट एयर बलून को मोड़ने के लिए खास कुछ चीज़ें नहीं होती है। ये गाइस मुझे ये हॉट एयर बलून ना उतना खास नहीं लगा यार, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ भाई, मैं ठीक है, मैं क्या करूँगा पता है, मैं जो है ना इसका सत्यानाशा कर दूंगा। क्यों सत्यानाशा करूँगा पता है, अभी मैं ना, अरे बैस क्या, मैं ना मर जाऊँ, ठीक है, अभी मैं फटाक से अपने घर पे जाता हूँ। दूसरा एक और हॉट एयर बलून था वहाँ पे, मुझे लग रहा है वो वाला बलून बहुत खतरनाक है, ठीक है, मुझे वो वाले बलून पे थोड़ा सा भरोसा है, तो उसको देख लेते हैं। और ये तलवार जो नहीं भाई कटलेस बनाए है मैंने, कितना डैमेज है, काट दूंगा बेटा, काट दूंगा, नो पंगा विद पप्पा जी, ठीक है भाई, काट के रख दूंगा कटलेस से। इसके अंदर से भाई वो ऑरेंज ऑरेंज कलर की कुछ एनर्जी निकल रही है। रुको मैं दूसरा वाला हॉट एयर बलून देखता हूँ, मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा बेटर होगा इससे, ऐसा मेरे को लग रहा है, बाकी देखते चलो। बट मैं खुश हूँ कि मैंने भाई फैक्ट्री खाली वो ढूंढ ली फाइनली, जिसमें गाइस हम लोग ना एयरशिप वगैरह बना सकते हैं। भाई बहुत स्ट्रगल लगा, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें हम लोग ने गाइस यहाँ पे देखी, बट फाइनली हम लोग ने फैक्ट्री जो ना गाइस वो भाई यहाँ पे बनाई ली और लगा भी दी, ठीक है, चालू है। देखो भाई चक्के विक्के घूम रहे एकदम फुल, तो अपने फैक्ट्री के नाइस वन। हाँ जी, अभी बताओ मुझे कि वो दूसरा हॉट एयर बलून जो था, ये वाला कैसे फाइबर चीज, अरे कर दी ना छोटी बात, 10 फाइबर है, रुक लेके आ रहा हूँ, रुको ये फाइबर इकट्ठा करूँगा शॉर्ट से, बाबा जी का टुल्ला, हर चीज़ शॉर्ट से इकट्ठा नहीं होती है, कुछ चीज़ें हाथ से भी इकट्ठा करनी पड़ती है। रुको फाइबर चाहिए, फाइबर लेके जा रहा हूँ, वो दूसरा वाला जो हॉट एयर बलून है गाइस वो बना रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होगा इससे तो, ठीक है, और वो उसको कंट्रोल करना भी थोड़ा सा मतलब आसान रहेगा शायद से। एयरक्राफ्ट, ये हॉट एयर बलून दूसरा वाला, ये बन गया भाई, ठीक है, ओ ये तो काफ़ी खतरनाक लग रहा है रे, और इससे बोलते हैं हॉट एयर बलून भाई, इसे भाई ओवरवेट का एक ओवरवेट यार, तुम मजाक कर रहे हो भाई, ये बोल रहा है ओवरवेट है, मैं नहीं लेके जाएगा भाई, भाई ये हॉट एयर बलून है असली यार, इसमें इंजन विंजन लगा हुआ है, रुको रुको आप भी डिग करके देता हूँ, ये हॉट एयर बलून गाइस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बाकी ना ओवर बैठूँ, काम करना भाई, कॉपर दे शॉपर, फालतू की चीज़ें आप डाल देना यार, सॉरी फालतू चीज़ें वो सारी आप डाल देता हूँ, रुको मेरे किसी काम की नहीं है फालतू की चीज़ें, मैं यहाँ पे भर के रख देता हूँ। अबे यार वो डाल दिया मैंने हैचेट गलती से, रुको भाई हैचेट का तो काम होता है मेरे को, ठीक है हैचेट का तो काम होता है, वुड वगैरह थैच वगैरह क्या करूँगा मैं, 800 वेट कर लेना है मात्र मुझे अपना, 800 वेट, बाकी सारी चीज़ें भाई यहाँ पे अंदर डाल देनी है जो मेरे किसी काम की नहीं है, 800 वेट ओनली कर देना है मुझे, ठीक है, ये फोर्ज वगैरह डाल दें, EMP रख देता हूँ, EMP काम आ जाएगा कभी किसी को उड़ाने के, सीधा EMP से उड़ा दूंगा, चलो आ जाओ 800 वेट तो भी होगा, देखते हैं कैसे भी हमारा जो कैसे हॉट एयर बलून है चलता है कि नहीं। इसमें फ्यूल चाहिए बोले यार, अरे इसके लिए तो गैसोलीन चाहिए मेरी जान, उड़ेगा तो सही बट इसके लिए गैसोलीन चाहिए गाइस, हाँ गैसोलीन चाहिए, हॉट एयर बलून तो मैंने बना लिया बट इसके लिए गैसोलीन चाहिए होगा मेरे दोस्त। अबे तेरी भेज की आग भाई, जादू की जप्पी देके जा रहा है भाई, त्वार का हम हथौड़ा मारूंगा ना थोपड़े पे, बस तेरी निकल, तो और क्या, थोड़े से इसका गेम ओवर, रुको भाई मेरा फेस दे दे वापस पहले गाइस, मुझे गैसोलीन बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है, गैसोलीन कैसे बनेगा जरा एक बार देख लूँ मैं, फ्यूल ये वाला, इसके मुझे रिफाइन ऑयल चाहिए यार, रिफाइन ऑयल तो नहीं है ना मेन चीज़, ये कैसे बनेगा रिफाइन ऑयल, अभी ये मत बोलना कि इसके लिए मुझे कुछ और थोड़क जाम करना पड़ेगा, रिफाइन ऑयल एक मिनट रुक जाऊँ, रिफाइन ऑयल या पे एक मशीन थी, ये नहीं मैंने एक मशीन बनाई थी यहाँ पे, रुको गाइस वो मशीन कहाँ पे चली गई जिसमें ऑयल बन रहा था, आपको पता होगा मैंने एक मशीन लगाई थी, यही है
इसमें ऑयल बन रहा है बराबर, ये वाला रिफाइंड विथ हाई टू मेक गैसोलीन, यही है क्या रिफाइन ऑयल? हाउ कैन आई मेक रिफाइन ऑयल ब्रो, कुछ आइडिया नहीं। एक यही चीज़ है जिसमें बोल रहे हैं वो पॉटी डालो, अपना पॉटी डालो, हाइट डालो, स्पॉइल मिट डालो। पॉटी तो मैं अभी कर लूँ यहाँ पे, एक ही पॉटी निकलेगी लेकिन, बट भाई अपन ट्राई कर पाएंगे ना गाइस कि मतलब निकलता है, मतलब सच में मिलता है कि नहीं अपन को रिफाइन ऑयल, देखते हैं ना ट्राई करके कि रिफाइन ऑयल मिलता है कि नहीं। अब एक काम कर लेना भाई, एक पॉटी का डबल कर दूंगा ना मैं, पॉटी एक का डबल कर देंगे भाई, मजाक हो रहा है क्या? पॉटी की खेती कर लूँगा मैं भाई, हेलो आर यू कॉमेडी मी, टट्टी की खेती कर ली मैंने, चलो आ जाओ बनाओ भाई इस केक जो बना रहे हो, बनाओ भाई ये ऑयल बनाओ तुम ना, तुम ये ऑयल बना लो अभी तो भाई, तुम तो अभी ये ऑयल बनाओ, मुझे देखना ये ऑयल कैसे बनता है। और इस भाई ऑयल से हम लोग गैसोलीन, नहीं ये तो रिफाइंड ऑयल निकलना चाहिए, देखते चलो ये कौन सा ऑयल निकलते देखते चलो। अनरिफाइंड और थिक ब्लॉब ऑफ अनरिफाइंड ऑयल, सो मुझे रिफाइंड ऑयल चाहिए ना उसके लिए। अनरिफाइंड ऑयल भी चल जाएगा क्या? कैन बी रिफाइंड विथ हाइड टू मेक गैसोलीन, कैन बी रिफाइंड विथ, ओके इससे हम गैसोलीन बना सकते हैं हाइड इसमें कंबाइन करके, देखते चलो ये ऑयल लेके जाता हूँ और देखता हूँ मैं बनता है कि नहीं गाइस, ठीक है ऑल राइट। ये वाला ऑयल तो वर्क नहीं कर रहा, मैं भी ये वाला ऑयल वर्क करे, बनने में तो भाई 4 जन्म लग रहे हैं उसको, बनने दो ऑयल करके, बट मैं काफ़ी खुश हूँ भाई। देखो तुम्हारे भाई ने बना लिया एयरशिप, फैक्ट्री खोल ली गई सार्क में तुम्हारे भाई ने, फैक्ट्री गई सीधा, ये लो भाई ये अपना स्टैचू भी लगाया फैक्ट्री के सामने, ये लगा इस फैक्ट्री खोल ली भाई, खतरनाक भाई लग रहा है। चलो अभी देखते हैं किससे हमारा काम 25 हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो मुझे और इक्विपमेंट्स बनाने पड़ेंगे फिर, जिससे मैं भाई गैसोलीन वगैरह बना सकूँ, फिर मुझे पता नहीं कि कहाँ पे ढूंढूंगा मैं। ये तो आखिरी वाला था, ये आखिरी वाला था, उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी से कहीं जो भी चीज़ें भाई बन जाए हमारी भाई, वो ऑयल बन जाए बस खाली, वही गाइस हम लोग को रोबोट्स को सबमरीन को चलाने में भाई यूज़ होगा, वही ऑयल हम भाई यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। ये ले भाई बन गया ऑयल, ये वाला रिफाइंड ऑयल तो नहीं लग रहा मुझे, देखते चलो ऑयल, ये और इस ऑयल में क्या फ़र्क है भाई? कुछ भी नहीं, रिफाइंड ऑयल चाहिए हैं, ये कहाँ रिफाइंड करूँ मैं ऑयल? टेस्ला कॉइल बन जाइए ना, ऑयल नहीं है भाई, ठीक है ये ऑयल बनाने के लिए ना रिफाइन ऑयल चाहिए यार, पता नहीं गाइस कि रिफाइन ऑयल कहाँ पे बनेगा और कैसे बनेगा, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे तो बनेगा भाई, इतना पक्का पता है मुझे। देखते कोई ना कोई मशीन हमसे गाइस छूट गई होगी शायद, ये क्या है भाई इसके रिफाइंड ऑयल, ये क्या बाबा जी का बेस की आग भाई, भाई क्या गुंडा बनोगे गाइस, ये रहा रिफाइंड ऑयल भाई, भाई मैं पूरे दुनिया में ढूंढ रहा हूँ ये रहा रिफाइंड ऑयल, यहाँ पे लगाया था गाइज कि अपने नज़रों के सामने ही होगा, क्योंकि सारी मशीन तो मैंने लगा दी अभी बना के, कुछ बचा ही नहीं था। ये बना रहे फ्यूल बना, अब भी जाएगा तेरा भाई सबमरीन लेके, रिफाइंड ऑयल 500, अरे बेस क्या औकात के ज़्यादा मांग रहे हो चीज़ भाई, 500 रिफाइंड ऑयल मांग रहे एक गैसोलीन वो बनाने के लिए कैन, वो कैन कितना चलेगा इसका कोई आइडिया नहीं बाबा, वो कैन कितना चलेगा इसका कोई आइडिया नहीं है। ये हाइट भी डाल दे रहे भाई इसके अंदर को, हाइट वगैरह डाल दे भर के, स्टील में अल्टीमेट डेक फ्रॉड है, इंडस्ट्रियल फोर्ज में ना भाई अल्टीमेट डेक फ्रॉड, ऑयल भाई बन तो रहा है भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है चलो गाइस ये बनने तो गए, ठीक है ये ऑयल बनने तो रिफाइंड वाला, उसके बाद हम लोग उससे भाई गैसोलीन का बैरल बनाएंगे, फिर हमारा जो है ना यहाँ पे हमारा बलून चलाएंगे हम लोग, रुको। उम्मीद कर रहा हूँ गाइस कि वहाँ पे 500 जो है ना गाइस वो बन चुके हैं वो भाई, ठीक है वो रिफाइंड वाला ऑयल, देखता हूँ चलो बनाए कि नहीं, मैं हाइट भी डाल देता हूँ थोड़ा सा उसमें ताकि भाई थोड़ा ऐसा एक्स्ट्रा बनते रहे, ठीक है। रिफाइंड ऑयल कितना बना है बताओ भाई, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 लगभग बन गया है, ठीक है 660 बन गया है, इससे बस एक बैरल बनेगा गाइस गैसोलीन का, एक बैरल खाली, ठीक है देख रहे हो गाइस टॉयलेट देख रहे हो, खाली एक बैरल बनेगा और एक बैरल के लिए हम लोग ने इतनी मेहनत करी है। ये रहा भाई फ्यूल का एक बैरल, एक बैरल बनाने के लिए भाई इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, और इस एक बैरल से अपना बलून कितना चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है।
चलो आ जाओ, देखते अभी हमारे बलून को चला के। बारिश भी अभी होनी थी गाइज, रुको, बारिश जाने तो उसके बाद अपने बलून को चलाएंगे गाइज हमारे, ठीक है, इस पैरे से हॉट एयर बलून का भाई मजा आएगा गाइज, रुको बारिश को जाने दो। A few moments later. चलो भाई लोग, बारिश जा चुकी है और अभी हम लोग इसके अंदर एक बैरल डालने वाले हैं जिससे इसको फ्यूल मिलेगा भाई, और इसको ओ से अपन टर्न ऑन करेंगे। हाँ मेरी जानसी से ऊपर जाएगा ना, वो भाई आग लगी हुई है भाई, अबे ऊपर कैसे जाती है सी से ना। हाँ इसको मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ यार, भाई तेरे भाई का हॉट एयर बलून भाई, देखो कैसे बैठा हुआ मैं हॉट एयर बलून में भाई, खतरनाक गाइस, खतरनाक भाई। ठीक है भाई, सी से जाएगा ना, सी होल्ड करके रखने से ऊपर जाता है भाई, एक से भाई नीचे आता है, एक से नीचे आता है, क्यू से आर से कुछ भी नहीं होता। एक यार पावर मैट्रिक्स रिक्वायर्ड है, इसमें वेपन्स भी लगेगा, इस आर से वेपन है गाइस अपना कोई, तो पावर मैट्रिक्स करके भाई खतरनाक भाई। और स्पेस से क्या होता है भाई, स्पेस से वो नीचे डायरेक्टली लैंड करा देता है, सीधा आपको जमीन पे लैंड करा देगा स्पेस से। ओ भाई साहब बजे ही बजे भाई, तेरे भाई ने फाइनली गाइस हॉट एयर बलून जो है गाइस वो आर्क में बना लिया भाई, ठीक है, देख रहे हो कितना खतरनाक है भाई, इंजन देखो कैसे चल रहा है इसका, डिटेलिंग तो ओपी है भाई, देखो अंदर का इंजन, हर एक मशीन चल रही है अंदर की, और उससे प्रोपेलर चल रहा है। अगर मैं इंजन ये सब बंद करूँ है क्या, बंद हो जाना भाई, चलना बंद हो जाए, चलना भाई इसके, हाँ बंद हो जाता है तो अंदर की पार्ट्स भी घूमना बंद, देखो अंदर के पार्ट्स भी घूमना बंद, और जब वो भाई प्रोपेलर चलता है ना तभी गाइस अंदर के पार्ट भाई चलना चालू हो जाते हैं, खतरनाक यार। लेकिन फ्यूल जो ना गाइस वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी भाई यहाँ पे भाई वो हो रहा है गाइस हमारा कंज्यूम हो रहा है, बाकी और कोई सीन नहीं, मैं आसमान की ऊंचाई पे पहुँच सकता हूँ इससे। चलो चल के देखते हैं मैक्सिमम हाइट कितनी है, ठीक है कितने मैक्सिमम हाइट तक इसको लेके जा सकते हैं हम लोग। ये भाई आग देखो, और गाइस टेंशन नहीं लेने का, आप लोग यहाँ पे ऐसा उतर भी सकते हो, ठीक है बिंदास उतर सकते हो, और ऐसा आजू बाजू तक घूम के देख भी सकते हो क्या क्या देखना बिखना है भाई, ठीक है कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ से नीचे नहीं गिरोगे उसकी गारंटी है पूरी, ठीक है। अबे भाई हाँ ऊपर चलना है, ऊपर आसमान की ऊंचाई पे पूरा गाइस, यहाँ पे अपन भाई वर्ल्ड देखेंगे, आर्क का मैप देखेंगे, अभी इतने ऊंचाई पे जाऊँगा, और ऊँचे गाइस, और ऊँचाई पे जाऊँगा मैं, फूल एकदम ऊंचाई पे जा रहा हूँ गाइस मैं। ये लो गाइस, ये देखो गाइस भाई, मैं जाना चाहूँ तो एकदम भाई एंड तक जा सकता हूँ मैप के इस हॉट एयर बलून को लेके, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट गैसोलीन जो है ना गाइस फ्यूल काफ़ी ज़्यादा जल्दी ड्रेन होगा अपना, ठीक है भाई साहब। और मैं आसमान की ऊंचाइयों पे, हर तरफ गाइस कोहरा ही कोहरा भाई, खतरनाक यार। अभी यहाँ पे इंजन वर्क नहीं कर रहा क्या, ओ नहीं 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 सीधा ऐसा घुमा के लेके जा रहे हैं तो इंजन वर्क नहीं कर रहा, ऐसे लेके जा रहे हैं तब इंजन वर्क कर रहा है आगे जाने के लिए, ठीक है। चलो गाइस ये पहुँच गए हम लोग आसमान की ऊंचाइयों पर भाई, इसमें यहाँ तक पहुँचने में मेरा आधा फ्यूल जो है ना गाइस वो ख़त्म हो गया है गाइस, मेरा आधा फ्यूल यहाँ तक पहुँचने में ख़त्म हो गया है सच में भाई। रुको भाई नीचे लैंड करा देता हूँ, चलो लैंड करा दे भाई ना, इतने ऊपर से लैंड नहीं हो सकता गाइस, स्पेस दबा के लैंड करना चाहता था लेकिन लैंड नहीं हो सकता इतने ऊपर से। चलो मैं मैन्युअली लैंड करा देता हूँ गाइस जिसको नीचे, ठीक है गाइस बताना फिर आपको हमारा ये हॉट एयर बलून जो है खतरनाक सा वो कैसे लगा। अगर आपको हमारे हॉट एयर बलून गाइस पसंद आया होगा ना तो इस वीडियो को लाइक दे, शेयर दे, चैनल को ना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। बाकी तो आज का ये वाला एपिसोड इसी हॉट एयर बलून बनाने के साथ यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें हम लोग इस मॉड में बनाने वाले हैं, तो गाइस काफ़ी मज़ा आएगा गाइस, तो गाइस मिस नहीं करना बिल्कुल भी इस मॉड के एपिसोड। बाकी अगर आपको भाई एपिसोड पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल बोल के, आर्क स्टीमपंक के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस।